हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू पी एम बाई पश्चिम अकादमी एंड दिस इज योर्स प्रतीक्षा मिश्रा आज ऑलवेज। तो आज के थंबनेल देखिक समस्ते जाणी सारिथिबे आज हमने डिस्कसन करने को जाउछंती सेकंड सेमिस्टर जूलॉजी ऑनर्स पिलामानकर कोर पेपर 4 माने सेल बायोलॉजी रे कोन कोन मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस रहिछ एंड कोन कोन शॉर्ट नोट प्रोबेबली हेइ परिबो। नेक्स्ट वीडियो रे मु आपन मानको देखै देबी जे कोन कोन शॉर्ट नोट सब रहिछ, को शॉर्ट नोट आपन मानन पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बट आज के वीडियो रे हम माने केवल डिस्कसन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन भितर केमती कोन शॉर्ट नोट हेइ परिबो। ओके, तो स्टार्ट करबा यूनिट 1 नु ओवरव्यू ऑफ सेल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एथिरे हमकु सेल विषय रे जानिबार अछि, ओवरव्यू ऑफ सेल माने सेल रो स्ट्रक्चर कोन, सेल रो फंक्शन कोन, ए विषय रे देखिबार अछि एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो कोन जानिबार अछि ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें कोन पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कहंती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे ट्रांसपोर्ट केमिति होछि माने ऑस्मोसिस कोन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोन, पैसिव ट्रांसपोर्ट कोन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कोन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कोन, ए सब विषय रे हमकु जानिबार अछि। तो ए यूनिट रो हमर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कोन ना मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोटे पेन एंड पेपर धरिके बसंतु, हेडिंग करंतु कोर पेपर 4 सेल बायोलॉजी लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1। यूनिट 1 रो फर्स्ट क्वेश्चन होची मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और आउ कौन पचारिबो व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, जहाँ भितर कि हमारा कौन कौन रहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, दुटा लॉन्ग क्वेश्चन गला, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन को आसवा। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन होता है सेल जंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर प्रेजेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट ईच ऑफ देम। सेल जंक्शन कौन, केते प्रकार सेल जंक्शन रही एंड प्रत्येक विषय आम ब्रीफली डिस्क्राइब करवा। एक्चुअली एग्जाम के सेल जंक्शन टा लॉन्ग क्वेश्चन है कि आसेनी। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन कौन आसे, मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आसे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब बेले एग्जाम रे रिपीट होकर आसे। किंतु सेल जंक्शन को जब लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से पढ़ीदा या भितर गुड़ाए शॉर्ट नोट आसो, टाइट जंक्शन भितर शॉर्ट नोट आसो, डेस्मोसोम भितर शॉर्ट नोट आसो, गैप जंक्शन भितर भी शॉर्ट नोट आसो। जदि आम लॉन्ग क्वेश्चन ये तीनटा जाक भलसे प्रिपेयर करदे तो शॉर्ट नोट जहाँ भी पढ़ुना कहीं आम कौन प्रकार प्रॉब्लम हम ना। एंड यस पिले, जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी ना से डायग्राम किसी रही, तो भूल रे भी डायग्राम करने को ओके, जितेबले भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नोट्स लिखुं से डायग्राम को मिसेकि प्राक्ट करूँ आट ए टाइम सब जिन प्राक्ट हो। क्लियर, तेल ये यूनिट भितर आम शॉर्ट नोट कौन अच्छी, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, आम जो प्लस टू बेलू पढ़ी पढ़ी आसान या विषय में मिनिमम 8-10 डिफरेन्स आमको पढ़वार अच्छे, कहीं 8-10 कहीं जो 10 डिफरेन्स आम पढ़ा ना तहार भितर वन मार्क क्वेश्चन आसो, आम सेमिस्टर एग्जाम भी वन मार्क क्वेश्चन आसो एंड आगे जो पीजी एंट्रांस देवा से भी आम यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल भितर वन मार्क क्वेश्चन आसो। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर होची सेल बायोलॉजी, पीजी रे भी आम सब इंपोर्टेंट पेपर होची सेल बायोलॉजी। जदि आम सेल बायोलॉजी पेपर रो कांसेप्ट क्लियर न होबा, बिट बाय बिट न जानिबा, तहले हम पीजी एंट्रेंस क्लियर कर पारिबानी। तो आपण मानकर सेकंड सेमिस्टर एग्जाम तो एबे हबनी, हेला बेळकु जून जुलाई रे हबा, सेतिपई मु कहूची एबे टू जतिक भी वन मार्क क्वेश्चन अछि ना सेही पॉइंट ऑफ व्यू रो पढंतु, कोडा कोडा लॉन्ग क्वेश्चन हे परबे मु आपण मानकु जणाई दउची। किंतु मु कहूची जे जो माने भी पीजी एंट्रेंस पे प्रिपेयर करछन्ती से माने बिट बाय बिट सब पढंतु, जो माने पीजी न करके आगु कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबे से माने एते फोकस करके पढ़ा दरकार नहीं, केवल लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी देले भी से मानकर आराम से मार्क रह जाए लॉन्ग क्वेश्चन एंड सिलेक्शन शॉर्ट नोट, बट जो माने पीजी एंट्रेंस देते से माने पूरा डिटेल्स रे पढ़ंतु। ओके, या छोड़ा यूनिट 1 आउ कौन अच्छी ना वायरस रो शॉर्ट नोट, वायरॉइड रो शॉर्ट नोट, माइकोप्लाज्मा रो शॉर्ट नोट, प्रायन रो शॉर्ट नोट, माने वायरस वर्सेस वायरॉइड गोटे शॉर्ट नोट, माइकोप्लाज्मा वर्सेस प्रायन मध्ये गोटे शॉर्ट नोट। क्लियर, तो यूनिट 1 नो कौन मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहली, शॉर्ट नोट कौन कौन हो पारे कहली, बट आउ गोटे वीडियो में आपण मानको क्वेश्चन सहित देखेदेवि केमिति शॉर्ट नोट आसीबो। नेक्स्ट आसीबो यूनिट 2, यूनिट 2 रे आमको पचारि साइटोस्केलेटन व्हिच इज अ वेरी 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 इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तले ए यूनिट रे हमर दीटा लॉन्ग क्वेश्चन, कौन लॉन्ग क्वेश्चन दीटा अछि, फर्स्ट पचारबो व्हाट इज साइटोस्केलेटन, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटल सिस्टम बा साइटोस्केलेटन। आम प्रथम लिखा साइटोस्केलेटन कौन, साइटोस्केलेटन में कौन कौन सब आसुचन, जमीक माइक्रोट्यूबुल आसी, माइक्रोफिलामेंट आसी एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट आसी, प्रत्येक विषय में आम एक्सप्लेन करवा विथ डायग्राम। पहले डायग्राम जिते करेंगे राइट साइड में लेबलिंग करेंगे, एटलिस्ट 4-5 जिनस लेबलिंग करके देखेंगे एंड तले तार ना लिखे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूबुल, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, तले ना लिखे, तले ना लिखा 0.25 मार्क मिले, साइड रे लेबलिंग करने 0.25 एंड डायग्राम 0.25 बा 0.5 मार्क डायग्राम नहीं करी थाई। तो से ही अनुसार ये आमको एक मार्क पाखापाखि मिल जाएगा, तो डायग्राम करने को जमा ही भूलिबेनी। नेक्स्ट आम कौन पचार, नेक्स्ट पचार व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एक्सप्लेन अबाउट
अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोजम। तो जो गोल्गी अपैरेटस, लाइसोजम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी तीन टा जाक एट ए टाइम केबे एग्जाम रे आसेनी। आइदर केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आसे नहले गोल्गी सहित लाइसोजम नहले गोल्गी सहित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एमती मिसेकरि आसे। ओके दि दिटा जिनस मिसेकरि आसीबो। तो एथरो आमे जानी गेले दिटा लॉन्ग क्वेश्चन, बस ए दिटा लॉन्ग क्वेश्चन को आमे पढ़ी देले यार भितरु हमर मैक्सिमम शॉर्ट नोट क्लियर हो जइबो। जेमती कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमर दि प्रकार अछि, गोटे होछि आरआर गोटे होछि एसआर। तो आरआर वर्सेस एसआर हमको दि मार्क शॉर्ट नोट पचार देबो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसआर, लिपिड सिंथेसिस ऑकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एमती का टाइप रो वन मार्क क्वेश्चन पचार देबो। सुइसाइडल बैग आमे कहा को कहि थांती, क्लियर? या भितरु हमर गुडाई शॉर्ट क्वेश्चन आसी जइबो। नेक्स्ट आसबे यूनिट 3 पाकु। आई होप आपण माने यूनिट 2 पर्यंत जहां जहां भी क्वेश्चन कहिली सब दिक लेखि रखुतबे। एंड पिले जदि वीडियो हेल्पफुल रहउ तले प्लीज 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 टिके वीडियो को लाइक करंतु और एबे हमर चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु। नेक्स्ट हम आपण पई बहुत बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आनिबी। एंड जति भी फ्रेंड्स जूनियर सीनियर अछन प्लीज समस्त को शेयर भी करंतु, तांको भी पढिबा को सुजोग दियंतु। ओके जीवा यूनिट 3 पाक को। यूनिट 3 रे हमर अछि माइटोकांड्रिया एंड पेरोक्सिज्म। तो माइटोकांड्रिया को हम कोन कहंती ना सेमी ऑटोनॉमस नेचर बोली कहंती, एंड माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोली मध्ये कहंती। तले एठी हमर क्वेश्चन कोन आसीबो, क्वेश्चन आसीबो व्हाई माइटोकांड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस नेचर, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट पावर हाउस ऑफ द सेल। आम सेमी ऑटोनॉमस नेचर माइटोकांड्रिया को कहीं कहती आ माइटोकांड्रिया विषय में ही आमको एक्सप्लेन करने को पचार देव, जो थे कि आमको गोटे बढ़िया सुंदर डायग्राम करा पड़ा माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया विभिन्न प्रकार पार्ट को देखा पड़ा। ता सहित आमको तार फंक्शन डिस्क्राइब करा पड़ो। एंड कहीं आम माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कहते आमको एक्सप्लेन करा पड़ो। ये है फास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि एतटा इंपोर्टेंट नुह। ओके माइटोकांड्रिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आम पढ़ी दे यार भितर आमको शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाई आसी से आम दीप हिसाब से पढ़ा। ओके कितु यहाँ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नुह। इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौटा माइटोकांड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, यहाँ हूँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आउ सेम लॉन्ग क्वेश्चन ईटीएस हिसाब से आपने नेक्स्ट सेमिस्टर में पढ़े कोर पेपर 10 में पढ़े। तो नेक्स्ट हमारे आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कौन अच्छी एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, क्लियर? तो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, माइटोकांड्रियल रेस्पिरेटरी चेन गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने रिपीटेटिव लॉन्ग क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम आसे। ओके यही दुटा लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करूँ, बाकी केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस शॉर्ट नोट, पेरोक्सिज्म रो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शॉर्ट नोट। लास्ट यूनिट आसमें न्यूक्लियर सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। बोले ए यूनिटा ना बहुत इंपोर्टेंट, एबे आपण माने पढ़ुचंते बीएससी, बीएससी रे जो लेवल रे पाठ पढ़ुचंते जस्ट टिके हायर लेवल रे पाठ आपण पीजी रे पढ़िबे, किंतु ए जो सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग ना पीजी रे बहुत भल से काम रे आसीबो। जदि एबे टू कांसेप्ट क्लियर है कि लॉन्ग क्वेश्चन गुडा को पढ़ी देतिबे ताले पीजी बेला डिफिकल्ट हबनी। ओके आउ या भितर कोन मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रहिछि, प्रथम इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होछि व्हाट इज सेल साइकिल एंड डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल कोन एंड सेल रेगुलेशन कोन याकु नेकरि आमे गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे पढ़िबा। ओके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कौन, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आसो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग कौन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग कौन, जमीक पाराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जक्सटाक्राइन सिग्नलिंग, एसबू होती विभिन्न प्रकार सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग गुड़ाक आम पढ़वार अच्छी। या छड़ा आउ आम कौन कौन सब लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी, लॉन्ग क्वेश्चन आम हो माइटोसिस एंड मेयोसिस। माइटोसिस मेयोसिस को मिसई देकर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पचारिद जोटा कि नॉट सो इंपोर्टेंट, कहीं माइटोसिस शॉर्ट नोट रे आसे, मेयोसिस भी शॉर्ट नोट रे आसे, सेल साइकिल एक लॉन्ग क्वेश्चन आसे। सेल साइकिल आदर रेगुलेशन जो हमरा चेक गेट रही विषय में लॉन्ग क्वेश्चन ना आसो। या छड़ा हमरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस होची गोटे शॉर्ट नोट जहाँ विषय में लिखा कौन न्यूक्लियर एनवेलप कौन, न्यूक्लियस को जगह प्रेजेंट अच्छी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कौन, ये सब विषय में लिखा। नेक्स्ट न्यूक्लियर लॉस होची गोटे शॉर्ट नोट, क्रोमाटिन गोटे शॉर्ट नोट, क्रोमाटिन भितर आम यूक्रोमाटिन और हेटरोक्रोमाटिन डिफरेंस होची गोटे शॉर्ट नोट। ओके न्यूक्लियर जोम कौन, मेयोसिस को हमें कौन पे रिडक्शनल डिविजन कहते, रिडक्शनल डिविजन सहित इक्वेशनल डिविजन कौन पाई मेयोसिस रे देखा जाए, माइटोसिस को हमें को डिविजन कहते, देन जीपीसीआर कौन, सेकेंडरी मेसेंजर क्या कहा जाए, सीएमपी रो फंक्शन कौन रही सेल युड़ाक हूँ आम सब गोटे गोटे शॉर्ट नोट, क्लियर? तो यूनिट 1 और यूनिट 4 भितर मुझे मैक्सिमम 8टा खंडे लॉन्ग क्वेश्चन कहीदेवि। तो गोटे यूनिट रे आम दुटा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ुंत बहुत किसी गुड़ा आम पढ़ी दौना, गोटे यूनिट रू दुटा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ले जहाँ हेल्ली भी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आम एग्जाम आसी आम अपीयर कर गोटे यूनिट रू गोटे ही लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी जाता है एग्जाम से आसो कौन मैंने अच्छे क्वेश्चन थोड़ी ना आम बनाऊँ मुझ बनाऊँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कहीदेवी। क्वेश्चन या आसे प्रत वर्ष आसे मुझे जानी मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन सब एग्जाम आसे से जस्ट मुझे
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। ତ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି ସେତିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ସବୁତିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ସିପେଡ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଏବେ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେଣି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଯାହା ବି ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖାତା କରିକି ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେଠୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରୁ ହିଁ ପିଜି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଥିଓରି ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ନିଜେ ଏବେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଲ୍ ବାୟୋଲୋଜିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ସିଓର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।